गाइस मेरे साथ अभी अवेलेबल हैं जिग्नेश भाई। तो यहाँ पर मैंने पहले जो वीडियो में दिखाई थी काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ थी पीछे लो सेगमेंट की दिखाई थी, अभी मैं दिखाऊंगा जो है ना प्रीमियम सेगमेंट में है। और जैसे SUV है, यहाँ पर ऑडी है, ब्रीजा है, रेनॉल्ट टेरेनो है, नहीं डस्टर है, काफ़ी सारी कार्स ऐसी अवेलेबल है। तो उसका मैं वीडियो आपको आज दिखाऊंगा कि कौन कौन सी डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहली गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है ऑडी A3 ऑडी A3 है 2015 का मॉडल है, डीजल है और 62,000 किलोमीटर चली है। अंदर से कंडीशन दिखा दूं मैं, फुली ऑटोमेटिक है ऑडी A3। इसके अंदर सनरूफ मिल जाएगा और एयरबैग वगैरह मिल जाएंगे। कितने एयरबैग हैं? 6 एयरबैग हैं, 6 एयरबैग मिल जाएंगे इसके अंदर। फुली एकदम लग्जरी है, अंदर सनरूफ वगैरह अवेलेबल मिल जाएगा, ऑटोमेटिक फुली। कितना किलोमीटर चली होगी ये? 62,000 किलोमीटर चली होगी। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और स्टेपनी भी अवेलेबल, एकदम नई स्टेपनी है। कितना डिमांड है भैया इसका? 15.5 लाख 15.5 लाख रुपये प्राइस है इसका। अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, फुली लोडेड गाड़ी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको गाड़ी में, मतलब कंप्लीटेड है। और लोन वगैरह भी अवेलेबल कंप्लीट मिल जाएगा इसके अंदर। 62,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, डीजल वेरिएंट में ना, डीजल। आगे अपने पास है ब्रीजा GTI+ और डीजल वेरिएंट में है 2017 का मॉडल, 2017 का मॉडल डीजल वेरिएंट। अंदर से कंडीशन दिखा दूँ मैं, मैनुअल में है, कंडीशन काफ़ी सही है। कितना किलोमीटर चली होगी? 63,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। अंदर से ये काफ़ी अच्छा इंटीरियर है इसका। एयरबैग कितना आएगा इसके अंदर? इसमें दो आएगा, इसमें दो एयरबैग मिल जाएंगे। स्टेपनी अनयूज है, स्टेपनी मिल जाएगी, अनयूज स्टेपनी एकदम नई रखी है। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा, गाड़ी का कंडीशन बहुत अच्छा है। कितना डिमांड है भैया इसका? 8.5 लाख रुपये। कितना? 8,50। 8,50,000 रुपये प्राइस रहेगा, फुल स्टार्ट रहेगी गाड़ी। ब्रीजा टायर की कंडीशन भी काफ़ी सही है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास गाड़ी अवेलेबल है रेनॉल्ट डस्टर 2015 मॉडल, 2015 का मॉडल रहेगा। 91,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, इंश्योरेंस फुल है, डीजल है, पेट्रोल है, 4x4 डीजल इंजन। 92,000 किलोमीटर चली है ना, 92,000 किलोमीटर चली रहेगी। और अंदर से कंडीशन वगैरह काफ़ी सही है, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। एयरबैग कितना आएगा? दो एयरबैग आ जाएगा। बैक में कंडीशन काफ़ी सही है। कितना डिमांड है भैया इसका? 5 लाख डस्टर अवेलेबल हो जाएगी 5 लाख रुपए में। डस्टर अवेलेबल हो जाएगी और ये स्टेपनी है इसके अंदर, स्टेपनी मिल जाएगा सब, मतलब कंप्लीट गाड़ी मिलेगी, कुछ कमी नहीं मिलेगी। एक्सचेंज वगैरह भी हो जाती है? ठीक है, एक्सचेंज भी हो जाएगी। यहाँ पर अवेलेबल है अपने पास फोर्ड इको स्पोर्ट कौन सा मॉडल? 2016 मॉडल डीजल वेरिएंट में, डीजल टाइटेनियम प्लस। पुश स्टार्ट आ जाएगा, 6 एयरबैग आएंगे, पुश स्टार्ट बटन, 6 एयरबैग मिल जाएंगे इसके अंदर। 75,000 किलोमीटर चली होगी और इंटीरियर वगैरह काफ़ी सही है। 6.5 लाख रुपये डिमांड, 6.5 लाख रुपये डिमांड रहेगी गाड़ी की। बैक में मैं दिखा दूँ कंडीशन वगैरह, डीजल है, पेट्रोल है? डीजल वेरिएंट में है, काफ़ी सही है, मतलब इंटीरियर वगैरह काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। हाँ, स्टेपनी वगैरह सब मिल जाएगा। कितने किलोमीटर चली होगी एक बार? 75,000 किलोमीटर चली। कितना डिमांड है? ये 6.5 लाख 6.5 लाख रुपये की डिमांड है। ठीक है, तो आगे अपने पास अवेलेबल है एक्सेंट हुंडई एक्सेंट पेट्रोल है, पेट्रोल गाड़ी है, 5
गियर बॉक्स मिलेंगे, 5 ट्रांसमिशन, 85,000 किलोमीटर चली है, 85,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। और कितना डिमांड है इसका? 4,20,000। पेट्रोल है, डीजल है? पेट्रोल गाड़ी है। मैं डिग्गी ओपन करके दिखा दूँ। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है इसके अंदर और स्टेपनी भी अवेलेबल है। दूसरी गाड़ी अपने पास अवेलेबल है फोर्ड फिगो। फाइव गियर ट्रांसमिशन आएगा इसके अंदर, 2015 का मॉडल है। पेट्रोल है, डीजल है? डीजल इंजन रहेगा। 85,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। इंटीरियर वगैरह काफ़ी सही है गाड़ी का, अंदर से भी कंडीशन अच्छा है। कितना रुपये डिमांड है इसकी? 4 लाख रुपये डिमांड रहेगी गाड़ी की, फोर्ड पिको। आगे से मैं दिखा देता हूँ कंडीशन, वॉक अराउंड काफ़ी अच्छा है, कंडीशन वगैरह काफ़ी ठीक है। मेरे को तो काफ़ी ठीक लग रही है गाड़ी, एक बार आप खुद भी चेक कर लेना आके, आप देख सकते हो। आगे अवेलेबल है अपनी होंडा अमेज एफ डीजल वेरिएंट में मिलेगी। अंदर से कंडीशन दिखा देता हूँ, कंडीशन ठीक है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है, इंटीरियर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। कितना किलोमीटर चली होगी? कितना? 63,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब अवेलेबल है, पीछे बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और अंदर से मैं इसका स्टेपनी वगैरह भी अवेलेबल है, कंडीशन काफ़ी ठीक है स्टेपनी का, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है ही अवेलेबल। डीजल वेरिएंट में मिल जाएगी। 63,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, वॉक अराउंड दिखा देता हूँ मैं। 2015 मॉडल अमेज, होंडा अमेज। तो ये सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर कितने से बहुत सारी कार्स अवेलेबल हैं और इनके पास स्टॉक नया आते ही रहता है, तो वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। लोन वगैरह का जो भी इंक्वायरी है आप कर सकते हो, लोन अवेलेबल मिल जाएगा यहाँ पर। आप लोन पे भी गाड़ी ले सकते हो, मिनिमम डाउन पेमेंट भर के। वो डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे डॉक्यूमेंट होते हैं आपके, उस हिसाब से आप अपना DP भर के आप ले सकते हो गाड़ी। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और गोल रखते हैं 200 लाइक का, गोल रखते हैं 200 लाइक करवा देना इसके अंदर, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी कर लेना। 15,000 सब्सक्राइबर अपने को कंप्लीट करने हैं। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।